राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी, यहां से आगे अब किस तरह की संवैधानिक प्रक्रियाएं देखी जाएंगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर राष्ट्रपति भवन से वापस बाहर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पहुंचे थे। पहुंचकर उन्होंने अपने कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की, वहीं अपने उसके साथ साथ अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंप दिया है। चूंकि एक प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद में जैसे कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 8 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। उससे पहले आज शाम को 4 बजे एनडीए नेताओं की जो घटक दल है उनके नेताओं की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी एनडीए के नेता जो है वो शामिल होंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के का एक सर्वसम्मति से एक नेता चुना जाएगा। उसके बाद में देर शाम हो सकता है कि एनडीए के जो तमाम नेता है प्रधानमंत्री के साथ जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करें और अपना जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपे। उसके बाद में 7 जून को जो एनडीए के तमाम सांसद हैं उनकी एक बैठक रखी गई है। उस बैठक में तमाम जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे और उसमें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार नेता के तौर पर चुना जाएगा और उसके बाद में जो है 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट आपने ये दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपने पूर्व कार्यकाल का इस्तीफा सौंप दिया है। अभी वो कार्यवाहक बने रहेंगे और 8 जून को वो बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। इस बीच खबरें ये भी थी कि एनडीए के भी जो दल है उनके प्रमुख आज राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं सरकार के लिए राष्ट्रपति को। उससे संबंधित कोई अपडेट? आज बैठकों का दौर विपक्षी गठबंधन में भी है और सत्तारूढ़ दल के गठबंधन में भी है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पहले शाम को 4 बजे जो है वो एनडीए के गठबंधन के सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है। उस बैठक में तमाम तरह की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी किस तरह से उसके बाद में उस बैठक में प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता चुना जाएगा और उसके बाद में देर शाम संभावित है कि प्रधानमंत्री के साथ में चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या अन्य जो एनडीए के सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करें और राष्ट्रपति को जाकर अपना समर्थन पत्र बीजेपी का और प्रधानमंत्री के नाम का समर्थन पत्र सौंपें कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद में फिर सरकार के जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस नई सरकार के गठन की, वो शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले आपको समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपना होता है और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति आपको आमंत्रित करते हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए, तो उसके बाद में पूरी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो आज संभवतः जो एनडीए के जो घटक दलों के जो बड़े नेता हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। बिल्कुल, और सबकी निगाह होगी कि क्या टीडीपी और जेडीयू भी उसमें शामिल होती है, क्योंकि आज सुबह कुछ तस्वीरें आई थी पवन कि एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी आए और तेजस्वी यादव अपनी सीट से उठकर नीतीश कुमार के बगल में भी बैठे, उनसे उनका हालचाल जाना और दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली आई। ये तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय रही और नीतीश बाबू को लेकर भी कल से ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने अपने सहयोगियों को बदला है ये गठबंधन के बाद वो गठबंधन, तो कहीं ना कहीं वो फिर पलटी ना मार जाए, तो ये एक बड़ी चुनौती भी भाजपा के सामने है। देखिए, जाहिर तौर पर हालांकि जिस तरह से जब नीतीश कुमार ने पहले जब पटना से निकले तो उन्होंने कहा कि मैं हम एनडीए के साथ हैं, बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद में आज जो संजय झा हैं जेडीयू के जो सांसद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी फिर से जेडीयू और बीजेपी को एक साथ लाने में। तो उनका बयान अब से थोड़ी देर पहले आया, उन्होंने साफ कर दिया कि हम एनडीए के साथ हैं, हमारे जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी कि जेडीयू की तरफ से भी स्थिति एकदम स्पष्ट है। कल लगातार ट्वीट भी आया, चिराग पासवान का खुद का ट्वीट आया, एलजेपी रामविलास के वो अध्यक्ष हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके द्वारा पहले से ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जैसे कि आपने देखा कल जब परिणाम आने लगे थे तो बीजेपी के बड़े नेता लगातार एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बातचीत में जुट गए। गृहमंत्री अमित शाह हों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, तमाम चाहे नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, जीतन राम मांझी हों, इन सबसे फोन पर बात लगातार कर रहे थे और उनको कहीं ना कहीं एक कोशिश ये थी दिखाने की, एक परसेप्शन बनाने की कि एनडीए के जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं वो सब एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं, सब एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो यही जो है लगातार प्रक्रिया दिखाई जा रही है, उसी के चलते आज जो है एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक होगी, फिर से एक दूसरा मैसेज देने की कोशिश होगी। उसके बाद 7 जून को जो है जो एनडीए के सांसद हैं सभी वो उस बैठक में शामिल रहेंगे, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पूरी कोशिश यही है कि एनडीए के सभी दल एक साथ दिखें, एकजुट दिखें, कहीं भी उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लगातार कोशिश बीजेपी के द्वारा यही की जा रही है कि एनडीए के अब जो सभी दल हैं वो एक साथ दिखने चाहिए और जैसे ही खबर आ रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
शुक्रिया पवन, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और रुक करते हैं अपने पैनल का। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी, ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर, अपने पूर्व कार्यकाल का जो है वो इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी ने सौंप दिया है राष्ट्रपति को। उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वो पहुंचे थे। और अब एनडीए के जो घटक दल हैं उनके प्रमुख भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और समर्थन पत्र सौंपेंगे। मान के चल रही एनडीए और उनका आंकड़ा भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि सरकार वही बना रहे हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सुधा जी। जी आस्था जी, ये लोग तो मान के 400 पार चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उसकी हवा निकल गई ना, वो गुब्बारा ही कब पुस्त हो गया पता ही नहीं चला। तो मान के चलना सूत्रों के हवाले से खबरों का होना ये तो अलग ही बात है। जहां तक इस्तीफा सौंपने की बात है, अगर आप अयोध्या छोड़ दीजिए, बनारस पे आते हैं, अयोध्या में तो अभी यूपी की बात, अभी हमारे दिनेश भाई बोल रहे थे, इसके पहले डिबेट में लोग बोलते थे कि दिल्ली तक का रास्ता यूपी से जाता है, लेकिन आज नहीं जाता है। मतलब कैसे कोई दो तरह की बातें कर सकता है, हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए। अभी तक इनकी भाजपा किसी उत्तर प्रदेश में ठीक थी तो ये लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश ही रास्ता बनाता है दिल्ली का, अब हम यहाँ मजबूत है तो कह रहे नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बनारस की बात कर लेती हूँ। बनारस में 3 बार से मोदी जी जीत रहे हैं। जीत का अंतर अगर मैं बताऊंगा आपको तो हमारे, अगर मैं 2019 की बात करूं तो अजय जी को 1 लाख कुछ वोट मिले थे, इस बार जानती है कितना वोट मिला है, 4,75,000 से ज्यादा। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं, इस्तीफा तो उनको कल काशी वालों से सॉरी बोल के ले लेना चाहिए था, दे देना चाहिए था कि मेरी नैतिक हार है, नैतिक हार की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं कल बोलते, लेकिन नहीं बोला उन्होंने। जब बोलना शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने तो क्या बोला, जय जगन्नाथ। मतलब जो ईश्वर के इन रूपों को बार बार बदल सकते हैं, वो कितने रूप बदलते होंगे भगवान ही जाने। जहां तक जय श्री राम से नारा शुरू होके बनारस के लोगों की बात आती थी, अब वहां पे उन्होंने धन्यवाद तो छोड़ दीजिए, नाम ही बदल दिया है। तो ऐसे सच्चाई को, आलोक वर्मा जी कह रहे थे कि जनता तक झूठ पहुंचा दिया, अरे जनता तक झूठ हमने नहीं, आप लोगों ने उस सच को पहुंचाया जो असल में सच्चाई थी। 400 पार का नारा आपने दिया, संविधान बदलने की बात आपने की, हमने तो सिर्फ सच्चाई बताई जनता को और जनता ने समझा उस बात को, और बहुत जरूरी था। आस्था जी, अगर ये सच्चे होते और अगर सच में धर्म, अभी दिनेश भाई ने कहा कि धर्म के बिना राजनीति नहीं होती है, राजनीति में धर्म होता है, आप लोगों ने धर्म की राजनीति की और धर्म को बदनाम करने का कार्य किया था। जनता ने बता दिया आपको कि ईश्वर को आप नहीं लाते हो, ईश्वरीय शक्ति होती है जो हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है। आप लोगों ने धर्म के मायने चेंज कर दिए थे, आप लोगों ने जय सियाराम से जय श्रीराम कर दिया था, तो हनुमान जी ने वही जय सियाराम फिर से कल बोला है। जाहिर सी बात है, आप ऐसी बातें करो तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको उत्तर देने में कोई सही बात कह दे तो आप कहेंगे कि झूठ। जनता को आप लोग क्या समझते हैं, जनता इतनी ना समझ है, जनता आपसे अधिक समझदार है, जो जानती है उसका हित कहाँ छुपा हुआ है। और जो अंतर है बनारस का, कितने 10% से ज्यादा में ही अंतर हुआ है, इसमें तो भाजपा वालों को नैतिक रूप से हार माननी चाहिए कि यूपी के वेस पे जो ये बातें करते थे जनता ने इनको नकारा है। हम कितना पाए इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कितना हारे हैं इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि झूठ का जो असली तमगा था वो छूट गया है, जो लेप किया था जो